अंकल और रहील भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, वो क्यों तुमसे ऐसी कुर्बानी मांगेंगे जिसके बाद तुम खुश नहीं रह सकोगी? ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिससे कोई भी खुश ना हो? हम दोनों की फैमिलीज के बीच में बहुत से मसाइल हैं। अचानक ऐसा कौन सा बिजनेस इशू हो गया जिससे बाबा इतने स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं? अब मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। आई एम श्योर ही कोई और मामला है। लेकिन क्या हो सकता है? खोलो, आगे खोलो, कोशिश करो। हाँ, शाबाश, बोलो। मोहसिन साहब, आप इतनी छोटी सी बात पर क्यों इतना परेशान हो गए? मैं आपको इतना कमजोर इंसान नहीं समझता था। तुम्हारे नजदीक ये छोटी सी बात है? मत हो परेशान, मैं हूं ना आपके साथ, खुद देख रहा हूं सब चीजों को। तो फिर उस आदमी ने तो जबान नहीं खोली है, लेकिन उसका दूसरा साथी अगर क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं मोहसिन साहब? हर इज्जतदार आदमी जिल्लत से डरता है, और फिर ये तो कत्ल का मामला है भाई। आपसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है मेरा इस केस में। आपने खुद कहा था ना कि पहले मैं फंसूंगा। खैर छोड़ें, इस वक्त इन बातों को रहने दें और अपनी सेहत पर ध्यान दें प्लीज। मैं आया था, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साइन कर दें। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? आप कितने अरसे से ऑफिस नहीं आ रहे? बहुत सारी चीजें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तबरेज तो आ रहा है ना ऑफिस हर रोज। मोहसिन साहब, तबरेज सारे मामलात को हैंडल तो नहीं कर सकता ना। ये डॉक्यूमेंट हैं उस डील के जो आपकी अभी चल रही। आर यू ओके? मैं उनको क्या बोलूं, बहुत फोन करते हैं मुझे वो लोग। अब बोल दूं कि अभी सब कुछ कैंसिल है? नहीं, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, मैं कर देता हूँ साइन। लाओ, कहाँ करते हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी बच्ची को दूसरी जिंदगी बख्शी है। मैंने जो दम करवाया था ना उस पर, ये उसी का असर है। हाँ नहीं, देखो अब मुझे मजीद कोई लारे मत दो, मैं खुद चली जाऊंगी हॉस्पिटल और डिस्चार्ज करवा के शरीना को मैं यहाँ लाऊंगी भी नहीं। मुझसे बहस मत करो, मैं राहिल से बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये हर पेज के बॉटम पर साइन करते जाइए।
अस्पताल के बाबा, तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं और अम्मी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तुम कहीं जा रहे हो? जी, रानी और आरम को लेने जा रहा हूं। मैं जानता हूं उन दोनों की वजह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, इसीलिए मैंने सोचा कि उन्हें आज ही ले आऊं। बहुत अच्छा कर रहे हो कि उन्हें लेने जा रहे हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी दोनों बहुएं घर आ जाएं। मरने से पहले मैं इस घर में उन दोनों को देखना चाहता हूँ। मोहसिन, मरे आपके दुश्मन, क्या हो गया आपको? जरा सा ब्लड प्रेशर क्या हाई हुआ? आप तो ऑल फॉल बातें करने लगे हैं। और सुनो, तुम जाओ और जाके अरहम और रानिया को अभी के अभी लेकर आओ। किसी तीसरे ने अगर इस घर की दहलीज पर कदम रखा ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम और तुम्हारा बाप। अम्मी, चलता हूं मैं लेकर आता हूं उन्हें। आराम और सुकून तो सब छिन गया। ये औरत भी मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगी। रिलैक्स कर, मैं चलता। थैंक यू सो मच। भाभी, अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, इसलिए तो डॉक्टर ने छुट्टी दी है। और उसने साथ में ये भी कहा है कि इसे किसी किस्म की कोई टेंशन मत दे। भाभी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। अच्छा, फिर राहिल आ जाएगा, तुम यहीं बैठो, फिर कमरे में चले जाना। हाँ, आराम से टेक लो। शाबाश बेटा। कहाँ रह गए राहिल? बेटा, मैं चीजें निकाल रहा ना गाड़ी से। बेहतर महसूस हो रहा? बेटा, मैं इसलिए कह रही थी कि मेरे साथ घर चली जाती। यहाँ तो वो दोनों फसाद की जड़ें जो है ना, डेरा जमा कर बैठी हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में उनका अपने घर जाने का दिल आता है। मामी, आपके लिए जो फसाद की जड़ है, वो आज अपने घर वापस जा रही है। यहाँ किसी दूसरे शख्स की बातों की वजह से शायद शरीना पे कोई असर ना पड़े, लेकिन आपकी इस तरह की बातों से शरीना की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप प्लीज कोई भी नेगेटिव बात करने से पहले जरूर सोचें। राहिल, अलीज़े, तुम वहां क्यों खड़ी? लाओ मुझे दे दो, मैं सीखता हूं। आखिरकार आ गई तुम वापस। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? है निकाह से पहले तुम घर से भाग गए, जरा बराबर भी ख्याल नहीं आए। अपने ताया की इज्जत को इस तरह से चौराहे पे नीलाम कर दिया। रानिया, तुमने क्यों किया ये सब? तबरेज इस रिश्ते से खुश नहीं था। तबरेज का नाम मत लो,
तुमने जो कुछ भी किया है ना, अपनी मर्जी से किया है। तुम उसका इतनी हया कर लेती कि तुम्हारी यतीमी में मोहसिन ने तुम्हें कभी भी अकेले घर से नहीं जाने दिया। तुम्हें इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत दी तुम्हें, और तुम उन्हीं के घर चली गई जिनकी वजह से तुम्हारे बच्चे के सर से बाप का साया छिन गया। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, और इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो आप लोग ही जानते हैं। और वैसे भी जो बुरे वक्त में शफकत का हाथ रख दे सर पर, वो किसी को कैसे यतीम कर सकते हैं। बीबी, ये फैसला अदालत का था और अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर उसे सजा दी थी। वो तो मोहसिन की हमदर्दी की वजह से वो छूट गया। रहम दिली नहीं था यमी, करोड़ों का घर। कैसे जबान चलाने लगी हो? मैं गलत नहीं कह रही था यमी, तायब ने कोई रहम दिली नहीं की थी, बल्कि कसास लिया था। मेरे सामने नाम भी मत लेना उस शख्स का। हसुलन, तो जो हरकत तुमने की है ना, मुझे तुम्हें इस घर में कदम तक नहीं रखने देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे बेटे की औलाद तुम्हारे पास है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन अब मैं देखूंगी कि तुम इस घर से बाहर कदम कैसे निकालती हो, क्योंकि अब अरहम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ताई अम्मी, दो इसे, मेरे पास रहेगा ये। ये लो। उन दोनों की शिनाख्त हो चुकी है, एक बार तुम्हें और रानिया को थाने चलना होगा मेरे साथ। लेकिन रानिया तो यहाँ से जा चुकी है, वो कैसे आएगी? क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं अंकल, मुझे बस अलीजे और रानिया का बयान हल्फी चाहिए था। अलीजे का बयान मैं ले चुका हूँ, बस रानिया का बाकी है। कोई बात नहीं, कल मैं जाऊँगा उसके घर पे, वहाँ उसका बयान ले लूँगा, दस्तखत भी, और उसके बाद अलीजे और रानिया को एक बार उनकी शिनाख्त के लिए थाने और कोर्ट आना पड़ेगा। लेकिन अबू, मुझे नहीं लगता कि वो लोग रानिया को इस बात की इजाजत देंगे। बेटा, ये तो पुलिस और कानून के मामलात हैं। अमर अपने हिसाब से देख लेगा जो भी इसे करना है। तुम क्यों ये सोच के परेशान हो रही हो? नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उन लोगों का रवैया रानिया के साथ कैसा होगा। कुछ नहीं होगा, उसके अपने हैं, वो घर भी, तबरेज सब हैंडल कर लेगा, तुम फिक्र मत करो। काश के औरत का कोई अपना घर होता जहां रहने के लिए उसे किसी और के हवाले की जरूरत नहीं होती। ना ही उसे वहां से कोई निकाल सकता और ना ही उसे वहां से जाने की जरूरत पड़ती। अहमर, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? वो कुछ बोला या फिर अभी तक? भाईजान, उसका बयान तो वही है जो पहले था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द उस केस की जड़ तक पहुंच जाएंगे। अहमर, अभी तक तो उसका दूसरा साथी भी नहीं पकड़ा गया। आप परेशान मत हो भाईजान, हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। मैंने पिछले 2-3 माह का जितना भी डाटा उसके मोबाइल फोन का हासिल कर लिया है। 2-3 नंबर तो ऐसे भी हैं जिन पे मुसलसल कॉल्स की गई हैं। उन नंबर्स में क्या मोहसिन का नंबर भी शामिल था? कल कंफर्म हो जाएगा कि वह नंबर किसके हैं, और वैसे भी उसके रिमांड का टाइम खत्म हो रहा है, जिसके जेल ट्रांसफर होने से पहले पहले तमाम मालूमात हासिल करनी है और मोहसिन के रिमांड तक पहुंचना है, इसीलिए उसका मुंह खोलना बहुत जरूरी है। आपकी भतीजी का दिमाग तो अब मैं दुरुस्त करूंगी। उसने अभी तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा उसने। गुस्से में बात करोगी तो वो और बागी हो जाएगी। प्यार मोहब्बत से हैंडल करो ना उसे, और ये अरहम को उससे छीनने की क्या जरूरत थी भाई?
ये भला उसके बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता कि उसके बगैर, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि इसे छोड़कर वो इस घर से बाहर कदम कैसे निकालती है। अच्छा बाबा, जो तुम्हें मुनासिब लगता है तुम वैसे करो, मेरा तो सोच सोच के वैसे ही सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं ये सोच रहा था कि हम कुछ भी करके किसी भी तरह से रानिया को अगर इस बात पर राजी कर ले कि वो तबरेज से शादी कर ले तो हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? और आपका क्या ख्याल है, मान जाएगी वो? प्यार मोहब्बत से बात करोगी तो जरूर मान जाएगी। उसे इस वक्त इस बात का यकीन दिलाना है कि हमसे बेहतर उसके बारे में और कोई नहीं सोच सकता। मेरे ख्याल है मैं खुद ही बात करता हूं उससे। अरे आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 बैठो आओ। मैं तुम्हारी ताई अम्मी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। ताया वो कैसी तबीयत है बाप की? तबीयत तो अब चल चलाओ का वक्त आ गया है। क्या हो गया मोहसिन आपको, क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? कम से कम मेरे बारे में तो सोचे, कैसे रह पाऊंगी मैं आपके बगैर अकेले? अरे तुम अकेली कहाँ हो भाई, तुम्हारा बेटा है तुम्हारे पास, पोता है, बहू है। देखो अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सिर्फ अरहम का और तबरेज का ख्याल नहीं रखना, तुमने अपनी ताई अम्मी का भी बहुत ख्याल रखना है। बाबू प्लीज ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। रानिया बेटा, जब से अरहम और तुम गए थे ना उस वक्त से ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं। देखो तो सही, जरा सोच सोच के क्या हाल कर लिया अपना। इनके सिवा मेरा है ही कौन, एक बेटा चला गया, अब यही है मेरी कुल कायनात। मैं तो दिल से ये बात चाहता था कि तबरेज किसी तरह से अलीजे को भी मना कर ले आए, लेकिन वो मान ही नहीं रही है, खुला मांग रही है। कितनी बेइज्जती हो चुकी है ना हमारी, अब वो मेरे बेटे को अदालतों में घसीटना चाहती है। रानिया बेटा, तुम भी तो वहीं पर थी ना, और तबरेज भी वहां आता था। तो तुम्हारे सामने भी तो कुछ बात हुई होगी, तो फिर बाबू मैंने तो खुद अलीजे से बात की थी, तबरेज इतना परेशान था लेकिन वो नहीं मानी, वो रिश्ता खत्म करना चाहती है। देखा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बेटे का घर कभी आबाद नहीं होगा। वहां वो तन्हा है और यहाँ तुम तन्हा। अल्लाह क्या नसीब लिखा है ना मेरे बच्चों का, पता नहीं क्या और देखना बाकी है। ताबू आप इतना मत सोचें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। जीती रहो मेरी जान, खुश रहो बस। यार हम उठ जाए तो इसे अपने पास ले जाना, तुम्हें बहुत मिस करता है मेरा ख्याल है। अलीजे मेरी कॉफी रेडी हो गई? जी भाई बस तैयार हो गई है। देखिए देखिए आराम से। ओ कोई बात नहीं, आराम से कोई बात नहीं। मैं करी हूँ भाई, छोड़ दे। कोई बात नहीं बाबा। लीजे तुम्हें याद है तुम मुझसे और अम्मी से हर तरह की बात शेयर कर लिया करती थी, लेकिन अब अम्मी तो हमने नहीं कही, लेकिन जब तक मैं हूं तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात हो या कोई भी ऐसी सोच जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो
बिना झिझक करते हैं। आपकी कॉफी। देखो ना, ये होता है तरीका बात करने का। जिस तरह तुम गुस्से से बात करती हो उससे तो वो और बागी हो जाएगी। अब तुम जो भी उससे मनवाना चाहोगी, जो भी उससे कहोगी, वो वैसा ही करेगी। वो मैडम साहबा, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? क्या मेरा तो नहीं बताया तुम? नहीं जी, वो तो उनसे जाके कहो कि साहब जो है वो शहर से, बल्कि उनसे कहो मुल्क से बाहर गए। मगर वो तो अगर मगर छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और खबरदार अगर उन्हें ये बताया कि मैं घर पर हूँ। सिम क्या हो गया? आराम से आराम से, पहले पूछने तो दे कि आखिर वो आए क्यों है यहाँ पर। तो फिर तुम जाओ, तुम जाके बात करो और मेरे बारे में कुछ मत बताना। अच्छा अच्छा ठीक है मोहसिन, आप क्यों परेशान हो रहे? पुलिस है, कोई फरिश्ते अजल नहीं है। जाती हूँ, पूछती हूँ मैं उनसे। अरे क्या कह रहे हैं, क्यों आए हैं वो? वो रानिया पीटिया से मिलने आए। रानिया से? हाँ? जी फरमाइए, क्यों मिलना चाहते हैं आप रानिया से? अहमर आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तायमी, ये इंस्पेक्टर अहमर है, अलीजे के कजन। मगर अलीजे तो हमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती, ये यहाँ क्या लेने आए हैं? एक तफ्तीशी अफसर की हैसियत से आया हूं मैं यहाँ पर। मिसेस मोहसिन चश्मदीद कवार, आलिया रफी के मर्डर केस में आपकी बहू रानिया का बयान चाहता हूं मैं, दस्तखत भी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग नहायत शरीफ और खानदानी लोग हैं, और हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह के कत्लो गारत के केस में मुलविस हों, ये हम हरगिज नहीं चाहेंगे। यानी आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती तो आपको एतराज ना होता, लेकिन आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। पूछिए अपनी बहू से, वो खुद विक्टिम है इसकी। बताइए रानिया, क्या वो लोग आपके और आपके बच्चे को साथ ले जाना नहीं आए थे? आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना, मैं चाय का कहती हूँ, बैठे प्लीज। नहीं बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे ड्यूटी पूरी करने आया हूँ। कहीं ये ना हो कि अगली बार मेरे यहाँ पे आने पर आपकी फैमिली को मसला हो कि मुझसे चाय क्यों पूछी। क्यों बार बार फोन मिला रहे हैं आप उसे? कमाल की बात कर रही हो तुम, क्यों फोन मिला रहा हूं? मेरा वकील है वो, मैं हर फैसला करने के लिए उस पर डिपेंडेंट हूं, और उसे देखो मेरी कॉल इग्नोर कर रहा है। अच्छा कॉल बैक कर लेगा वो आपको, लेकिन अभी तो रानिया के बारे में सोचे ना, वो बाहर बैठी हुई है, बात कर रही है उस पुलिस ऑफिसर से और कह रही है कि अदालत जाके गवाही देगी, उसे कैसे रोका जाए, उसके बारे में सोचे। रोक लेंगे उसे भी, जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारी बगैर इजाजत पूछा के कैसे कोई बयान दे सकती। देखो ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा।
क्या मतलब है भाई? मोहसिन साहब ने ये फार्म हाउस 5 साल पहले 5 करोड़ रुपए का खरीदा था, आज इसकी कीमत 2 गुना होनी चाहिए और तुम मुझे सिर्फ कीमत 6 करोड़ रुपया बता रहे हो। सर इस तरह जल्दी बेचेंगे तो रेट पर तो कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, और वो दुकानें उनका क्या बना? रेट आपको बता चुका हूँ सर, और लोग लाख 2 लाख निकालने में जल्दी नहीं करते। जी बात है, कमीशन मुझे डबल ले रहे हो, रेट तुम ऐसे बता रहे हो, डील कैसे बनाऊं मैं तुम्हारे साथ? सर आप खुद सोचे, ये प्रॉपर्टी भी तो किसी और की है। क्या मतलब प्रॉपर्टी किसी और की? हाँ मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, मोहसिन साहब के बिहाफ पे मैं कभी भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ। तुम्हारे बायर्स को अलॉटमेंट चाहिए ना, ट्रांसफर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं दे रहा हूँ, फिर मसला क्या है? देखिए मार्केट में बात निकलते हुए देर नहीं लगती, आपको तो मुल्क छोड़ के चले आना है 1-2 दिन में, हमें तो यहीं रहना है, कुछ हमारा भी सोचे ना। ठीक है जाओ, मैं फोन पे बताता हूँ। ठीक है सर। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए मुझे। कब आना होगा मुझे? अभी कुछ वक्त है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? रानिया अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं आपसे। वापिस आने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, जिंदगी में और बहुत इश्यूज हो चुके हैं, उसके बाद क्या ही नॉर्मल होगा कुछ। खुश रहा करो, जिंदगी में सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। आप मुझे बता दीजिएगा जब भी आना होगा, मैं तब देर से कहूंगी वो मुझे ले आएगा। आप बताएं अलीजे और शेरीना भाभी कैसी हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अलीजे से कहिएगा कि मैं और अरहम उसे बहुत मिस करते हैं। ये बात तो आप खुद भी कह सकती हैं उनको, कॉल करने में कोई हर्ज तो नहीं। हाँ मैं कर लूंगी उसे फोन खुद। अपना ख्याल रख लो, चलता हूँ। मेरी शादी की पिक्चर है, कभी सोचा नहीं था कि हम सबकी खुशी की ये आखिरी तस्वीर होगी। मौत पर हक होती है रानिया, एक ना एक दिन हम सबको जाना है यहाँ से। शायद आपको मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं, बचपन से मोहब्बत करती थी मैं शामली से। यूं बीच रास्ते में हाथ छोड़कर चले जाना शायद मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर मैंने जो कुछ उनके और अलीजे के बारे में सुना। रानिया अलीजे का तुम्हारे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं था, वो बेचारी खुद एक झूठे इल्जाम में सजा काट रही है। तो आखिर सच क्या था, कौन था असली गुनहगार? दिल तो मेरा भी नहीं मानता कि अलीजे ऐसा कुछ कर सकती है। अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो सह लोगी? हेलो। हेलो। हाँ आई एम सॉरी, वो तुम्हारी कॉल मिस हो गई, मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ। नहीं मैं किसी और को फोन कर रही थी, गलती से लग गया था। आई एम श्योर तुम किसी और को ही कॉल कर रही होगी, वरना मुझे कहाँ कॉल करोगी तुम?
लीजिए, इस वक्त बहुत परेशान हूं मैं, एक साथ ही बहुत सारी उलझनों को फेस कर रहा हूं मैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कम से कम तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊं? मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आपकी परेशानी कम हो जाए। तुम सिर्फ अपने घर वालों का सोच रही हो, मेरा नहीं। कभी कभार तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? काबिले रहम हालत तो इस वक्त मेरी भी है, ना वहां सुकून में हूं और ना यहां। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आपसे खुला ना लूं, लेकिन क्या आपकी फैमिली ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया? बाबा ने खुद मुझे कई बार कहा कि मैं तुम्हें घर ले आऊं। पर आपकी अम्मी, क्या वो सब बातें भुला कर मुझे अपनी बहू के तौर पर कबूल करने को तैयार है? तुम अच्छे तरीके से जानती हो जिसे अम्मी बाबा के सामने कुछ नहीं कह सकती। वो तो आपके सामने भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आपके जाने के बाद अगर मैं उनकी दी हुई तकलीफों को भुला भी दूं, तब भी अब मैं किसी की भी नफरतों का सामना नहीं करना चाहती। कोई जरूरी काम कर रहे हैं? नहीं, बस यही ईमेल ही करनी थी। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई मसला है तो मैं डॉक्टर को कॉल करूं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं अब आपको। ये भी ठीक है, वरना पहले तो हर वक्त तुम्हें ये शिकायत रहती थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र ही नहीं। आप मुझे कुछ कहते क्यों हो? डांटते नहीं है, मुझे मुझ पे गुस्सा भी नहीं कर रहे, मेरी बेवकूफाना हरकतें मुझे बातें भी नहीं सुना रहे, क्यों? शर्मा, तुम मौत के मुंह से वापस आई हो, अल्लाह ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, मैं भला तुम्हें क्यों डांटूंगा? मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सबने मैं कुछ भी हो, सबने मेरी अपनी गलती थी, किसी ने कुछ किया ही, सब मेरा किया जा रहा है, तो आपको कुछ तो कहना चाहिए ना मुझे। मैं तुमसे क्या कहूँ सिवाय इसके कि जिस तरह तुम्हें औलाद की ख्वाहिश है, मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है, लेकिन इसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए। जब अल्लाह की रजा होगी तो ठीक है, क्या पता हम इस नेमत के काबिल ही ना हो, क्या हम जिम्मेदारी को उठाने के अहल ही ना हो, हम अल्लाह से क्यों जिद लगाएं? औलाद की ख्वाहिश करना क्या जुर्म है? ख्वाहिश तो किसी चीज की कभी गलत नहीं होती, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें दुआ मांगनी चाहिए। शेरिनो, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो,
उसके बावजूद तुम एक जाहिल औरत के हाथों बेवकूफ बनी। जरा सोचो, उस वक्त रानिया अहमर को कॉल ना करती तो तुम्हें वक्त पर हम फर्स्ट एड भी ना दे पाते। बहुत शर्मिंदा हूँ पता, मैं लाजमी रानिया से माफी सबसे मांगू, अलीजे से, ऊपर जान से, आप मुझे माफ कर। शरीना बस, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, लेकिन तुम्हें ये बात कभी भी समझ नहीं आई। देखो, अगर मैं तुम्हें कहता हूं ना कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत और इज्जत से पेश आना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें वही प्यार मोहब्बत और इज्जत, और मैं हरगिज ये बात कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा सर उनके सामने झुके। So sorry, thank you. पल का